गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए, पापा का आज हेयर कट हो रहा है। अभी लॉकडाउन की आदत हो गई है घर पे सबको हेयर कट की। मिस्टर सिंह आकाश पापा का हेयर कट अभी तक घर पे ही हो रहा है। अभी तो सब जाने लगे हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन और हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे घर पे, कि अभी हो जाता है, थोड़ा आ भी गया है मुझे। क्या हो गया आकर साइकिल को? हाँ, कैसे टूटा टायर? जी टायर कैसे टूट गया? लेकिन ये बताओ, कैसे साइकिल टूट गई? आकाश की ये साइकिल टूट गई। अरे ये देखो, ये अलग और वो अलग हो गया। रखो, लगाओ लगाओ उसको, लगाओ लगाओ, ट्राई करो ट्राई करो। कैसे साइकिल टूट गई आकाश की? लगाओ, लगा दो। हाँ लगाओ लगाओ, ट्राई करो। हाय फ्रेंड्स। हाँ लगाओ। हेल्प, साइकिल टूट गई। पापू न्यू साइकिल चाहिए, बोल टूट गया है। ओहो देखो, और आज हम लोग जा रहे हैं तीसी के लड्डू बनाने। देखते हैं, मैंने भी एक आग बार ही बनाया शुगर का, लेकिन अभी आज मैंने गुड़ वाले की रेसिपी कहीं देखी है। और हमारे यहाँ घर में बहुत सारा तीसी रखा हुआ है, और ऐसे हम लोग पाउडर बना के यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको यूज़ करना है हमको। तो उसका मैं सोच रही हूँ कि लड्डू बना दूँ। लड्डू बड़ा अच्छा बनता है तीसी का, तो आज मुझे बनाना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी देखिए, ये तीसी हमने ले लिया है, इसको साफ कर लिया है थोड़ा। अब इसको भूनेंगे हम लोग। चलिए अभी कढ़ाई में इसको डालते हैं। अच्छे से भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाँ
अभी देखिए इसमें ये जो आवाज़ आ रही है ना, चट 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 चट, ध्यान से सुनिए, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ऐसा आना चाहिए। अभी एक मिनट तक इसको और भुनेंगे। अभी अच्छे से भुन चुका है, गैस मैंने बंद कर दिया है। ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मैंने सुना है, उनको भी साथ में सिखाती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने सबको पूछ के बनाया था एक बार, लेकिन इस बार मैं गुड़ का ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। मुझे गुड़ नहीं मिल रहा है। क्या 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 गुड़ नहीं मिल रहा, तब चीनी का बनाना पड़ेगा। जितना तीसी था उसका आधा आटा लिया है मैंने, और इसको भी अच्छे से थोड़ा सा घी डाल के भूनेंगे धीमी आंच पे। और म्यूजिक के साथ यहाँ पे बन रहा है लड्डू। आटा भी ये देखिए अभी हमारा भून गया है। जितना तीसी लिया है मैंने उसका हाफ ही आटा लिया है, बहुत ज़्यादा आटा नहीं लिया है। बहुत ड्राई फ्रूट, मखाना, ये सब भी अभी डालना है। बनाया था मकर संक्रांति प्रिपरेशन वाले ब्लॉग में, आप प्लीज़ जाके देखिए, ये मंचिंग के लिए अच्छा है, बीच में ये सब कुछ ना कुछ रहता है। तो खाना भी थोड़ा सा भून लेंगे, ये ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेंगे। क्यूब मिल नहीं रहा है, घर पे था कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो जैगरी पाउडर की चाशनी बना रही हूँ मैं, देखते हैं कैसा बनता है। शुगर का तो मैंने लड्डू पहले बनाया हुआ है, ये जैगरी का चाशनी बना के पहली बार कर रही हूँ। अभी आप लोग भी मेरे साथ देखिए कैसा बनता है मेरा लड्डू। गुड़ की चाशनी के लिए देखिए कढ़ाई में थोड़ा पानी डाला है, इसमें हम जैगरी, ये मैंने 500 ग्राम्स गुड़ के पाउडर डाल दिए हैं इसके अंदर। अभी इसको थोड़ा गलने देंगे। लिया है और ये है तीसी का पाउडर, और ये वो क्या सूखा लावा उसका पाउडर, और ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है, और इधर हमारा ये देखिए गुड़ का पाक भी उबल गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये रेडी है। और अब गैस बंद करेंगे और गर्मा गर्म सब फटाफट मिलाना है, मिलते हैं आपसे। गरम गरम ही इसको मिलाना है आपको, संभाल के। मिला लिया है देखिए, बहुत गर्म है, थोड़ा संभाल के, और इसको गर्मा गर्म ही बांधते हैं, ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा, गुड़ इसी में जम जाएगा। इसको बड़ा ध्यान से गर्मा गर्म ही बांधते हैं, इसी में डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। जल्दी जल्दी बांधना है, नहीं तो कड़क ना हो जाए। लड्डू बना रहे हैं चाशनी वाला, हाँ सेहत के लिए फायदा है, तीसी के लड्डू हैं। लड्डू लड्डू वन ले लो, ये वाला ले लो। लड्डू हमारा रेडी है इतना, और इनके सदर आपको बांधने में थोड़ी देर हो जाती है, ये सूख जाता है ऐसा, देखिए ये भरभरा हो गया है, तो आप इसमें घी गरम करके डाल के और इसको भी बांध लीजिए, क्योंकि बांधने में फिर देर होने की वजह से ये देखिए पूरा भरभरा हो गया है, तो घी डाल के इसमें बांध सकते हैं हम लोग।
बहुत ही हेल्दी है ये तीसी के लड्डू, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिखिए कैसा लगा आपको। उसके बाद मैं इवनिंग की अंडा करी की भी क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है तेल में, अभी इसमें ओनियन डाला, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, अभी थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे, और इसमें टोमेटो प्यूरी भी डाल दिया मैंने अभी, मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर उसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च और थोड़ा सा चिकन मसाला, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है अभी, और साइड साइड में तेल भी छोड़ने लग गया है। अभी हम लोग थोड़ा देर और भून के इसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा गाढ़ा ही बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा ही पानी डाला है मैंने, और उसमें हरी धनिया और एग्स को भी डालेंगे। ये क्विक वाली रेसिपी अंडा करी की। अभी एग्स देखिए हमने डाल दिए, और ये दो अंडे को मैंने ग्रेट करके भी डाला है घिस के। ये गाढ़ा गाढ़ा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए, अभी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है इसकी। दो अंडे को ग्रेट करके भी मैंने इसमें डाला हुआ है, और अच्छे से एक बॉईल आ जाए उसके बाद 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे भी पकाएंगे। और अंडा करी हमारा अभी थोड़ी देर में रेडी है। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, और ये लड्डू आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए आपको क्या। अभी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो क्लिक करिए, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।